सऊदी अरब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब विंग की जानब से वर्कर्स कन्वेंशन की तकरीब मुनक्द हुई, जिसमें अहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान कभी दुनिया भर में आला मकाम रखता था और इसके इदारे अपनी बेहतर कारकर्दगी की बिना पर अपना अलग मकाम रखते थे और दुनिया हमारी कारकर्दगी को सराहती थी, मगर गुज़श्ता 30 सालों से पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाही की तरफ गामजन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब विंग और रियाज के सदर रिजवानुल्लाह खान का कहना था कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मौजूदा नौजवान नस्ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर मुतहद हो चुकी है और इमरान खान के वीएन के मुताबिक पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि पीटीआई का नौजवान वर्कर हर शोबा हाई जिंदगी में नुमाया कारकर्दगी दिखाने का अहल है। हालांकि 2018 में पंजाब से पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी। तकरीब में मकामी गुलकारों ने मिली नगमे भी पेश किए। वर्कर्स कन्वेंशन से गुलजेब कयानी, डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी और दीगर ने भी खिताब करते हुए इमरान खान के विजन को सराहा।